कतार लगाकर तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से ये बताना चाह रहा हूँ इन सारे लोगों को किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर फिल्में बन रही हैं। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात मार के मुझे नीचे पटक दिया। और फिर मुझे मार्शलों ने नहीं, मुझे कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे घेंस के बाहर निकाला। मार्शल तो आए नहीं थे तब तक। और उसके बाद मैं तो सिर्फ यही बात कहना चाह रहा था, हमने अशोक गहलोत जी का चेहरा देख के इनको समर्थन किया था। हम इन्होंने इनकी रिक्वेस्ट पर इनके शामिल हुए थे। गहलोत साहब, वो डायरी का आधा पार्ट आपने आपके विधानसभा में गुंडागर्दी करके मेरे से छीन लिया, और आधा पार्ट मेरे पास अभी और है। इस पार्ट के अंदर आपके सारे काले कारनामे, जो लोगों ने आपने विधायकों को खड़ा, किस किस एमएलए को राज्यसभा में आपने निर्दलियों को क्या क्या दिया, किस किस को प्रलोभन दिया, क्रिकेट के चुनाव में आपने क्या क्या काले कारनामे किए पैसे दे दे के, वो सारी चीजें अभी खुलासा मैं आगे भी करूंगा। मेरी माननीय राजस्थान माननीय मंत्री महोदय बैठे, ये छगन सिंह बोल रहे हैं, जानना चाहिए सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए। और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। छगन सिंह